हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम्ब के चैप्टर नंबर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट को रीड करेंगे। क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। इसका ये मतलब है कि क्रिकेट की उत्पत्ति 500 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में खेले जाने वाले स्टिक और बॉल के गेम्स से हुई। स्टिक का मतलब होता है डंडा या छड़ी। 500 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में ऐसे बहुत से गेम थे जो स्टिक और बॉल से खेले जाते थे। इन्हीं से क्रिकेट की उत्पत्ति हुई। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। इंग्लिश में बैट का मतलब होता है छड़ी या डंडा। बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड एनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। यानी के 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट एक अलग खेल के रूप में पहचाना जाने लगा। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। इसका ये मतलब है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक बैट्स की शेप हॉकी स्टिक्स जैसी होती थी, जो नीचे से बाहर की तरफ मुड़े हुए होते थे। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस द बॉल वॉज बोल्ड अंडर आर्म अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट। और बैट के ऐसा होने का कारण यह था कि बॉल को जमीन पर रुड़का कर फेंका जाता था और बैट के नीचे से मुड़ा हुआ होने की वजह से बॉल को हिट करना आसान होता था। वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। इसका ये मतलब है कि क्रिकेट की एक खासियत ये है कि टेस्ट मैच 5 दिन तक चलने के बाद भी उसका रिजल्ट ड्रॉ हो सकता है। टेस्ट मैच ड्रॉ होने का मतलब ये होता है कि ना तो कोई टीम हारती है ना कोई टीम जीतती है। No other modern team sport takes even half as much time to complete. आज के समय में और कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें इसका आधा समय भी लगता हो। A football match is generally over in an hour and a half. यानी के एक फुटबॉल मैच आम तौर पर 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 innings इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि क्रिकेट का जो छोटा वर्जन है, यानी क्रिकेट का जो शॉर्टेंड वर्जन है जिसे हम वनडे क्रिकेट कहते हैं, बेसबॉल का जो मैच होता है उसकी 9 innings भी इस छोटे वर्जन से आधे से भी कम समय में पूरी हो जाती हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बेसबॉल मैच वनडे क्रिकेट मैच के आधे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. क्रिकेट की दूसरी खासियत ये है कि इसमें पिच की लंबाई फिक्स होती है 22 गज, लेकिन ग्राउंड का साइज और ग्राउंड की शेप इनके लिए कोई नियम नहीं है। यानी कि अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के ग्राउंड हो सकते हैं। क्रिकेट के कुछ ग्राउंड्स बड़े होते हैं तो कुछ ग्राउंड्स छोटे होते हैं। कुछ ग्राउंड्स की शेप ओवल होती है तो कुछ ग्राउंड्स की शेप सर्कुलर भी होती है, लेकिन पिच की लंबाई फिक्स होती है 22 गज। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया।
क्रिकेट डस नॉट, यानी के हॉकी तथा फुटबॉल जैसे खेलों में मैदान की लंबाई और चौड़ाई फिक्स होती है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपक इन चेन्नई। क्रिकेट का मैदान ओवल यानी के अंडाकार शेप में भी हो सकता है, जैसा कि एडिलेड ओवल मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर क्रिकेट का मैदान लगभग सर्कुलर भी हो सकता है, जैसा कि चेन्नई में चेपक मैदान है। अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में सिक्स लगाता है, छक्का मारता है, तो उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के कंपैरिजन में, क्योंकि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड का साइज बहुत बड़ा है और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का साइज छोटा है। देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज, और इन दोनों विचित्र बातों का एक ऐतिहासिक कारण भी है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, यानी के क्रिकेट पहला आधुनिक गेम था जिसके नियम बनाए गए थे। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744, यानी के सबसे पहले क्रिकेट के नियम सन 1744 में लिखे गए थे। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शेल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर्स हु शेल एब्सोल्यूटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, और इन नियमों के अनुसार कैप्टन के द्वारा दो अंपायर्स नियुक्त किए जाएंगे और इन अंपायर्स का डिसीजन सबको मानना होगा। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेयर अक्रॉस देम 6 इंचेस, और जो स्टम्प्स होंगे यानी कि जो विकेट्स होगी उनकी हाइट होगी 22 इंचेस, और इन विकेट्स के ऊपर, इन स्टम्प्स के ऊपर जो बेल रखी जाएगी, आपने देखा होगा कि विकेट्स के ऊपर बेल्स रखी होती हैं, ये 6 इंचेस की होगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces, यानी कि क्रिकेट की बॉल का वजन 5 से 6 ounces के बीच में होगा। एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards apart, यानी के दोनों स्टंप्स के बीच में 22 गज की दूरी होनी चाहिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बलेडन इन द 1760s एंड द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787, यानी के दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बलेडन में 1760s में बनाया गया था, और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जिसे MCC भी कहा जाता है 1787 में बनाया गया था। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। इसका ये मतलब है कि 1760s से लेकर 1770s तक गेंद को हवा में उछालकर फेंकना एक आम बात हो गई थी और गेंद को जमीन पर रुड़काना बंद हो गया था। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस, और हवा में गेंद उछालकर फेंकने की वजह से गेंदबाजों को अब 3 ऑप्शंस मिल गए थे। एक तो ये कि वो अलग अलग लेंथ पर, अलग अलग दूरी पर गेंद फेंक सकते थे और हवा में गेंद को घुमा सकते थे, और अब वो ज्यादा तेज गति से भी गेंद फेंक सकते थे। इट ऑल्सो ओपन्ड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग, इससे गेंद को स्पिन कराना और स्विंग कराना पॉसिबल हो गया था, संभव हो गया था।
क्रिकेट में स्पिन का मतलब होता है जब बॉल पिच पर टप्पा खाने के बाद घूमती है, और जब बॉल हवा में ही घूम जाती है तो उसे स्विंग कहते हैं। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सेलेक्शन, और इस वजह से बल्लेबाजों को समय का ध्यान और किस तरह का शॉट लगाना चाहिए इसमें महारत हासिल करनी पड़ी। यानी कि अब बैट्समैन को बल्लेबाजों को ज्यादा ध्यान से खेलने की जरूरत थी, क्योंकि अब बॉल स्पिन भी होती थी, स्विंग भी होती थी और तेज गति से भी आती थी। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन, और इसका एक परिणाम यह हुआ कि मुड़े हुए बैट की जगह सीधा बैट आ गया। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5:1:2 to 5:3:4 ounces, और बॉल के वेट के लिए भी लिमिट बना दी गई कि बॉल का वेट 5:1:2 ounce और 5:3:4 ounce के बीच में रहेगा। एंड द विड्थ ऑफ द बैट 2-4 inches, और यह नियम भी बना के बैट की चौड़ाई 4 inch रहेगी। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, यानी के 1774 में लेग बिफोर विकेट यानी के LBW का नियम भी बना। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन, इसी समय के आसपास तीसरा स्टंप लगाना भी कॉमन हो गया, आम हो गया। By 1780, 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball. यानी के 1780 तक मुख्य मैचों की अवधि 3 दिन कर दी गई थी, और इसी साल 6 सिराई वाली क्रिकेट की गेंद पहली बार बनाई गई थी। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. इसका ये मतलब है कि अगर आप इस गेम के इक्विपमेंट्स को देखें, यानी कि क्रिकेट में जो चीजें यूज होती है उनको देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि समय के साथ क्रिकेट में चेंजेस जरूर आए हैं, लेकिन आज भी ये खेल ग्रामीण इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है जहां से ये शुरू हुआ था। क्रिकेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, इसका ये मतलब है कि क्रिकेट के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपकरणों को प्राकृतिक और मशीनी युग से पहले के मटेरियल से बनाया जाता है। द बैट इज मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क, बैट बनता है लेदर से, ट्वाइन से और कॉर्क से। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि आज भी बैट और बॉल हाथों से बनाए जाते हैं, मशीनों से नहीं बनाए जाते। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम, समय के साथ बैट बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, यानी के पहले समय में बैट को लकड़ी के एक सिंगल टुकड़े से बनाया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 pieces, द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। अब बैट के 2 भाग होते हैं। बैट का जो ब्लेड होता है वो बनता है विलो पेड़ की लकड़ी से, और बैट का जो हैंडल होता है वो बनता है केन यानी के बेंत से।
और जो केन होता है यानी कि जो बेंत होती है ये पाया जाता है एशियन कंट्रीज में। तो जब यूरोपियन कंट्रीज ने एशियन कंट्रीज पर कब्जा कर लिया तब उन्होंने बैट का हैंडल बनाने के लिए केन का इस्तेमाल करना शुरू किया। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। इसका ये मतलब है कि गोल्फ और टेनिस में तो प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और मेटल का यूज होना शुरू हो गया, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन क्रिकेट में जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, सुरक्षा के लिए जो उपकरण पहने जाते हैं, उनमें तकनीक का प्रभाव देखा जा सकता है। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइटवेट मटेरियल्स। इसका यह मतलब है कि वल्केनाइज्ड रबर के आविष्कार ने 1848 में पैड्स का इस्तेमाल संभव कर दिया और कुछ समय बाद ही प्रोटेक्टिव ग्लव्स यानी के सुरक्षात्मक दस्ताने भी आ गए। और आज इस खेल को हेलमेट के बिना नहीं खेला जा सकता, और ये हेलमेट मेटल और बनावटी हल्के वजन वाले मटेरियल्स से बनाए जाते हैं। The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. यानी के भारत में क्रिकेट का जन्म बॉम्बे में हुआ और भारत में क्रिकेट खेलने वाला पहला समुदाय पारसियों का था। यानी के भारत में पारसी लोगों ने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया। ब्रॉट इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ दियर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, द पारसेस फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। इसका ये मतलब है कि व्यापार में रुचि की वजह से पारसी अंग्रेजों के संपर्क में आए और भारत में पारसियों ने ही सबसे पहले अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया और पारसी लोगों ने ही भारत के पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की। दी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। सन 1848 में इस क्रिकेट क्लब की स्थापना बॉम्बे में हुई और इसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड द वाडियास। इसका ये मतलब है के टाटा और वाडिया जैसे पारसी बिजनेसमैन पारसी क्रिकेट क्लब्स को आर्थिक सहायता देते थे। द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज। इसका ये मतलब है कि भारत में उस समय उच्च वर्ग वाले अंग्रेजों ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। इसका ये मतलब है कि बॉम्बे जिमखाना जो सिर्फ अंग्रेजों का क्लब था और पारसी क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच झगड़ा हो गया एक पब्लिक पार्क को लेकर, यानी कि एक सार्वजनिक पार्क को लेकर। द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सर्फेस। पारसियों ने शिकायत की कि पोलो के घोड़ों के कारण बॉम्बे जिमखाना ने
पार्क को खराब कर दिया था और अब उस पर क्रिकेट नहीं खेला जा सकता था। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. जब यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अपने गोरे साथियों का ही पक्ष लेंगे, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिम खाना स्थापित कर लिया। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पाइनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। इसका यह मतलब है कि पारसियों और बॉम्बे जिम खाना के बीच में जो यह प्रतिस्पर्धा थी, इसका अंत भारतीय क्रिकेट के संस्थापकों के लिए अच्छा रहा। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। यानी के एक पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में क्रिकेट में हरा दिया। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और यह बात भारत में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के 4 साल बाद हुई। यानी के जब 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी, इसके 4 साल बाद एक पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में हरा दिया। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज लकी टू हैव अमंगस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। यानी के जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके जो शुरुआती नेता थे, उनमें एक पारसी लीडर थे दादा भाई नौरोजी। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट्स एंड वन डे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। यानी के आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट मैचेस और वन डे इंटरनेशनल्स का बोलबाला है, जो कि देशों के बीच में खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। इसका यह मतलब है कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, वो फेमस हो जाते हैं और लोग उन्हें भूलते नहीं हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेम्बर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट एनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। इसका यह मतलब है कि वे खिलाड़ी जिन्हें भारतीय आज भी याद करते हैं, ये वे खिलाड़ी हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सी के नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज लाइक पलवंकर विट्ठल एंड पलवंकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन। इसका यह मतलब है कि सी के नायडू अपने समय के बहुत बढ़िया भारतीय बल्लेबाज थे, जिन्हें आज भी याद किया जाता है, लेकिन उन्हीं के समय के कुछ खिलाड़ियों को, जैसे कि पलवंकर विट्ठल और पलवंकर बालू को भुला दिया गया। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932, His place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. इसका यह मतलब है कि जब भारत और इंग्लैंड के बीच 1932 में पहली बार टेस्ट मैचेस खेले गए, तो नायडू की क्रिकेट खेलने की उम्र निकल चुकी थी, लेकिन नायडू का भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्थान सुरक्षित है, क्योंकि वो भारत के पहले टेस्ट कैप्टन थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, अ डेकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। यानी के भारत ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 1932 में प्रवेश किया, आजादी मिलने से 15 साल पहले। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज
टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नॉट सॉवरेन नेशंस। इसका ये मतलब है कि भारत को टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका इसलिए मिल पाया क्योंकि भारत पर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश राज था और जहां जहां इंग्लैंड का राज होता था वहां वहां वो क्रिकेट की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते थे। लेकिन गणतंत्र देशों में ऐसा नहीं था, यानी जो गणतंत्र देश थे, जो आजाद देश थे, वहां क्रिकेट की प्रतियोगिताएं नहीं होती थी। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। यानी के पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था जब ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का उपनिवेश था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टूगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी प्रकार कैरेबियन के बहुत सारे देश मिलकर वेस्ट इंडीज की टीम बनाते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिश उपनिवेश थे। टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट, यानी के टेलीविजन प्रसारण ने क्रिकेट में परिवर्तन ला दिया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब क्रिकेट मैचेस टेलीविजन पर दिखाए जाने लगे तो इससे क्रिकेट में भी चेंज आया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इसका ये मतलब है कि टेलीविजन ने क्रिकेट के दर्शकों की संख्या बढ़ा दी क्योंकि टेलीविजन के द्वारा क्रिकेट छोटे शहरों और गांव तक पहुंच गया। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट्स सोशल बेस, और इससे क्रिकेट का सामाजिक आधार भी बढ़ गया। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। वे बच्चे जिन्हें पहले इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का अवसर नहीं मिला था क्योंकि वे बड़े शहरों से दूर रहते थे, अब वे भी टीवी पर क्रिकेट देखने लगे और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के खेल की नकल करने लगे। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीपल नेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। इसका ये मतलब है कि सैटेलाइट टेलीविजन की टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में फैली मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज ने क्रिकेट के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार कर दी। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत, और अब सिडनी में होने वाले मैचेस को सूरत में लाइव देखा जा सकता था। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। इसका ये मतलब है कि क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों में सबसे ज्यादा दर्शक भारत के होते थे और भारत ही सबसे बड़ी मार्केट भी है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ क्रिकेट साउथ एशिया में शिफ्ट हो गया। दिस शिफ्ट वॉज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, और ये हमें इस बात से पता चलता है कि जो ICC हेडक्वार्टर है यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर है उसे लंदन से दुबई शिफ्ट कर दिया गया। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. इसका ये मतलब है कि 150 साल पहले भारतीय क्रिकेटर्स यानी के पारसियों को खेलने के लिए खुला मैदान लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज,
और आज ग्लोबल मार्केट में भारतीय खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, वे सबसे ज्यादा फेमस क्रिकेटर्स हैं और जिनके लिए ये दुनिया एक स्टेज है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, और यह बदलाव छोटे छोटे बदलावों का परिणाम है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह परिवर्तन छोटे छोटे परिवर्तनों का परिणाम है। और ये चेंजेस क्या हैं? द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। यानी के शौकिया खिलाड़ियों की तुलना में प्रोफेशनल खिलाड़ी आ गए और वन डे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की तुलना में ज्यादा पॉपुलर हो गया, और ग्लोबल कॉमर्स और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए जिसकी वजह से क्रिकेट बहुत आगे बढ़ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।